वंस अगेन हैशटैग गो विद ट्रेंड। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं मेरी करवा चौथ की शॉपिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा फर्स्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस और आज मैंने क्या बाय किया। आप लोगों के लिए भी कुछ है और जो भी शॉपिंग रहेगी या जो भी इवेंट्स आते रहेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं कि नहीं बताते कि वो क्या पहनेंगे करवा चौथ पे या जो भी, ऐसा कुछ मेरे साथ कोई सीन नहीं है। कॉपी हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई सीन नहीं है ऐसा। तो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस जो मैंने करवा चौथ के अभी शॉपिंग स्टार्ट की। तो सबसे पहले मैंने ये नेकलेस बाय किया है तो मैं आपको बता दूँ गाइस फर्स्ट शॉपिंग अभी मेरी यही हुई है। ड्रेसेस वगैरह देखने अभी हम नहीं गए बिकॉज श्राद्ध चल रहे हैं तो बोलते हैं श्राद्ध में नहीं परचेज करते। तो नवरात्रों में जो है वो करवा चौथ की शॉपिंग बेसिकली स्टार्ट होती है तो उसी अकॉर्डिंग जो है मैंने सिर्फ ये नेकलेस बाय किया है और इसका रिव्यू भी है इस वीडियो में और मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शॉपिंग का इस बार की करवा चौथ की शॉपिंग आपके साथ ही होगी सारी। तो जल्दी से दिखाती हूँ, वैसे थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि क्या वीडियो है आज की, बाकी फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ ये ब्यूटीफुल सा नेकलेस गाइस। ये देखो अभी मैं आपको इसकी क्लिप दिखाऊंगी, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा इसकी वजह। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इस ब्यूटीफुल से नेकलेस के ब्यूटीफुल से इयररिंग्स गाइस। सी मैंने ये पीच कलर में बाय किया है बिकॉज मुझे इसके शेड्स जो है वो ओपन शेड मुझे समझ नहीं आया, मुझे ये शेड समझ में आया। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि ये मेरी करवा चौथ की ड्रेस के साथ मैच होगा या नहीं होगा, बट मैंने तो ये परचेज कर लिया, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। ये है इयररिंग्स और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ नेकलेस पैटर्न। सो गाइस सी माय नेकलेस, द ब्यूटीफुल नेकलेस जो ये इसका कंठी पैटर्न है मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद आया और इसके बेस पे ही मैंने पूरा नेकलेस परचेज किया है। जब हम इसे नेक पे वियर करते हैं तो इसकी जो शेप आती है कंठी की ऑसम आती है और चोकर भी नहीं लगता और लॉन्ग नेकलेस भी लगता, बहुत प्यारी सी लुक देता है, ये पूरे गले को कवर कर लेता है। तो ये मैंने थोड़ा हैवी और टेस्ट के अकॉर्डिंग परचेज़ किया है बिकॉज करवा चौथ पे भी कुछ हैवी ही डालेंगे। अब हाँ आप मुझे ये भी बताना कि करवा चौथ पे मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं तो मैं उनमें से क्या लूँ, लहंगा साड़ी या कोई ड्रेस। साड़ी तो फिर एक बार पहनी जाती है और फिर रख देते हैं तो साड़ी का तो इस बार मुझे लग नहीं रहा कि बन पाएगा, बाकी देखेंगे पसंद आएगी तो साड़ी भी ले सकती हूँ। और लहंगा मोस्ट है क्योंकि लहंगा हैवी लुक देता है और करवा चौथ पे तो हैवी लुक होनी ही चाहिए। और फिर थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कोई ड्रेस या सूट जो हमारे बाद में भी काम आ सकता है। बाकी आज जाना है मुझे थोड़ा कलेक्शन देखने के लिए तो जैसा भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये ब्यूटीफुल सा नेकलेस जो है अगर आपको इस टाइप का कुछ परचेज करना है या आपको इस टेस्ट में जाना है, इस टेस्ट में नहीं अदर भी टेस्ट है, मैं कुछ वीडियो एक वीडियो के लास्ट में ऐड करूँगी उसमें आपको कलेक्शन दिखेगा तो आप भी अपने करवा चौथ की शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ब्यूटीफुल सा नेकलेस, इसके साथ कोई मांग टिका या अदर एसेसरी नहीं है, सिर्फ ये नेकलेस है और ये इयररिंग्स है। देखते हैं मैं इसे किस चीज़ के साथ डालती हूँ, पीच में पिंक दिया हुआ है पीच में। सो गाइज नेकलेस का रिव्यू मैंने आपको दे दिया है, इसके बाद करते हैं ड्रेसेस की बात। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना साड़ी लहंगा या फिर कोई ड्रेस जो मैं करवा चौथ के लिए बाय करूं, जिसके भी ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं वही बाय कर लूँगी। वैसे तो आप लोग इतने ढीठ हैं कि आप लोग कमेंट नहीं करते, अच्छी बात तो नहीं है बट फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग मेरी फैमिली हो, फैमिली को कुछ बोल नहीं सकते तो कोई बात नहीं गाइज। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको इस नेकलेस से रिलेटेड कोई भी क्वायरी है, इसमें कलर आपको पूछना है या फिर कोई अदर कलेक्शन के रिलेटेड क्वायरी है जो आपको वीडियो में कुछ चौकर वगैरह कोई पसंद आता है या जो भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैंने कहाँ से लिया या इसमें किस और कौन कौन से कलर्स हैं और किस तरह की वेराइटी है उनके पास, और भी कोई क्वारी अदर क्वारी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा जल्दी से अपनी करवा चौथ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से बिकॉज अब काफ़ी कम दिन रह गए हैं, उससे पहले दो तीन फंक्शंस और भी हैं हमारे घर पे और व्लॉग का सीन ऐसा है गाइज अब मैं एक सिंगल डे भी मिस नहीं करूँगी जब व्लॉग नहीं डालूंगी बिकॉज अब मुझे बहुत
ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, बिकॉज़ मेरा वॉच टाइम जो है वो बहुत ही कम है अभी, और ऐसे में चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर मुझे चैनल बंद करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी मेरे लिए हेडेक वाला सीन है। अदरवाइज गाइज, इसके अलावा तो कुछ नहीं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना मत भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपके काम की नहीं है तो ऐसा नहीं है कि किसी के काम की नहीं, किसी के काम की तो हो सकती है, तो आपको जो जैसा भी लगे कि जिन लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है आप उन्हें शेयर कीजिए, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में। ओके, बाय बाय।